नमस्कार, जयपुर सिटी में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि कोविड स्वास्थ्य सहायक दिल्ली से वापस जयपुर लौट आए हैं। जयपुर में 23 दिन से चल रहा है धरना प्रदर्शन और इस बीच कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक दल शुक्रवार को दिल्ली पहुंचा। 10 जनपद सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया था और उसके बाद सोनिया गांधी ने दफ्तर से उन्हें बुलाया वार्ता के लिए। दल के एक प्रतिनिधि सुखजीत अटवाल से सोनिया गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी पीपी माधवन ने बात की थी। कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने माधवन से मुलाकात करवाई और पीपी माधवन ने सीएमओ के अधिकारियों से बात करके आश्वासन दिया। सुखजीत अटवाल ने कहा, मुलाकात से खुश हूं लेकिन संतुष्ट नहीं, हमारी मांग पूरी होगी तभी संतुष्ट होंगे। इसके बाद ये दल प्रदेश प्रभारी अजय माकन की ऑफिस में 4 दिन का अल्टीमेटम देकर लौट आया। तो सीएचए का धरना लगातार जारी है और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मनोहर विश्नोई जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, कल सीएचए की मुलाकात हुई थी, सोनिया गांधी के पर्सनल जो ऑफिस थे वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी, वार्ता के लिए बुलाया गया था, आश्वासन दिया गया, क्या अभी इस पर चल रहा है? आयुष, देखिए जिस तरीके से जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का मामला था तो वो जयपुर में लगातार 23 दिनों से धरना प्रदर्शन चल ही रहा है। इस बीच एक दल जो है दिल्ली पहुंचा था शुक्रवार को और सोनिया गांधी के दफ्तर और 10 जनपद के बाहर प्रदर्शन किया था। उसके बाद उनको सोनिया गांधी दफ्तर से बुलावा आया और वार्ता की गई और जो पीपी माधवन है जो चीफ सेक्रेटरी उनके सोनिया गांधी के बातचीत के बाद में उनको आश्वासन दिया कि आपकी मांगे हैं वो मानी जाएगी और आप वापस जयपुर लौट जाइएगा। उसके बाद जब जो एक प्रतिनिधि जो है उनके सुखजीत अटवाल वो मिले थे, उनसे मुलाकात हुई और वार्ता की और जो एक अशोक तंवर थे कांग्रेस के नेता है उन्होंने वार्ता करवाई। उसके बाद सुखजीत अटवाल का कहना है कि हमें आश्वासन मिला है लेकिन हम संतुष्ट इसलिए नहीं है कि हमारी मांगे अभी तक मानी नहीं गई। तो शाम तक वो प्रदेश प्रभारी जो माधव के दफ्तर में जो 4 दिन का अल्टीमेटम लेटर देकर के वापस जयपुर लौट गए। अब तक ये जानकारी, लेकिन एक अभी ये है कि एक दल और है जो इनके साथ ही दूसरा दल जो कोविड सहायकों का है वो कह रहे हैं कि अभी भी दिल्ली में रह करके वो अपनी मांगे जब तक पूरी नहीं हुई यहाँ रहेंगे, लेकिन अब तक ये जानकारी नहीं मिली है कि वो दल कहाँ है, किस जगह है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लगातार जारी है और पूरी वार्ता का है वो जयपुर में भी जारी है। क्योंकि मनोहर देखिए, आश्वासन का एक दिन का समय तो बीत चुका है, क्या ऐसे कोई संकेत कि अभी जो मांगे थी उन पर कोई काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि जयपुर में भी धरना लगातार जारी है? देखिए, जो माधवन है उन्होंने सीएमओ के अधिकारियों से उनकी वार्ता करवाई थी, बातचीत करवाई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो जयपुर आएंगे और जयपुर में हमारी वार्ता जारी है। लगातार कल एक दौर की वार्ता भी हुई थी और अब आज जो है शनिवार है, कल संडे है, हो सकता है अगले दौर की वार्ता में कुछ समाधान निकल आए। क्योंकि देखिए जयपुर की अगर वार्ता की हम लोग बात करें तो कल वो बेनतीजा रही थी, दिल्ली में आश्वासन मिला है, तो क्या कोई ऐसे संकेत कि इनकी मांगों पर विचार किया जा सकता है? दिल्ली से इस तरीके का कोई आश्वासन इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि सरकार है वो राजस्थान में है और दिल्ली में सरकार नहीं है। आला कमान से निर्देश दे सकता है और जो सरकार मुखिया सरकार की है उनको केवल कह सकता है कि इनकी मांगों पर विचार कीजिए और इनको संतुष्ट कीजिए। क्योंकि राजनीतिक मसला जब बन जाता है तो ऊपर से भी प्रेशर होता है, तो कुल मिलाकर अब पूरा जो है राजस्थान सरकार की पाले हो गया और वो उनसे बात क्योंकि देखिए मनोहर, बड़ी संख्या में 28,000 से ज्यादा जो ये सीएचए हैं ये धरने पर बैठे हैं, क्या अभी तक दिल्ली से कोई यहाँ पर बातचीत हुई हो राजधानी जयपुर में सरकार से या इनकी मांगों पर ध्यान देने के लिए अभी तक कोई ऐसी जानकारी? आयुष, देखिए आज सैटरडे है और कल संडे है, ऐसा जो है सारे दफ्तर यहाँ दिल्ली में बंद रहते हैं, किसी भी तरीके से मुश्किल लग रहा है कोई इनसे वार्ता करेगा, मुलाकात करेगा। चूंकि जो वार्ता है वो कल हुई थी उनके सोनिया गांधी के दफ्तर में, तो वही काफी है और वो कह रहे हैं कि उस वार्ता के बाद अगर उनका रहा तो वहां पर जयपुर में जो है उनसे मुलाकात करके उनका समाधान किया जाएगा। जी, अल्टीमेटम दिया है 4 दिन का, अल्टीमेटम के बाद क्या रणनीति अपनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी सीएचए की तरफ से, क्या अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को? अभी अल्टीमेटम में इतना ही लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि हमने जो हमारी मांगे हैं जो हमारी वापस लौटने की जैसे सरकार लगातार जयपुर चल रहा है, अगर नहीं मानी गई हम तमाम जो लोग हैं जयपुर से
करेंगे, इस तरीके का अल्टीमेटम देकर जो है वापस लौटे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए आपका मनोहर विश्नोई।